सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त समोज बटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। और ऐसी ही शुरुआत होने वाली आज की वीडियो की, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ओल्ड दिल्ली स्ट्रीट फूड कवर करने। बहुत ही मजा आने वाला है। ओल्ड दिल्ली को हार्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है, बिकॉज वहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स भी बहुत हैं, खाने पीने का कल्चर भी वहाँ पे बड़ा ही तगड़ा है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ फेमस के साथ कुछ अंडररेटेड और कुछ हिडन जेम्स भी कवर करने वाले हैं। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को भी हिट कर दो। अभी हम ये बैटरी वाले रिक्शा में हैं, जा रहे हैं। सुबह के तकरीबन 10:15 बज रहे हैं। देखो दिल्ली में आवाज़ आने वाली है। लेट्स गो टू ओल्ड दिल्ली। इट्स माई फर्स्ट टाइम इन ओल्ड दिल्ली, रियली एक्साइटेड। सबसे पहली चीज़ विंटर में जो हम लोग को ट्राई करनी चाहिए और आपको भी ट्राई करनी चाहिए, वो है दौलत की चाट। अब दौलत की चाट आपको चांदनी चौक पे, तावड़ी बाजार में, कहीं भी जाओगे बहुत जगहों पे ठेले पे सुबह में मिलेगी। और मैं रिकमेंड करूंगा सुबह सुबह खाना, क्योंकि मैं अभी सुबह में स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो, तो सबसे पहले मीठे के साथ चालू कर रहा हूँ, बिकॉज जैसा दिन जाता जाएगा वो क्वालिटी दौलत की चाट आपको सिर्फ सुबह को ही मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं धनी राम राकेश गुप्ता दौलत की चाट और कुल्फी वाले। ये जो शॉप है ये एक बहुत ही हिडन जेम है, आपको इजीली मिलेगी भी नहीं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी एग्जैक्ट एड्रेस की। एक पतली सी गली में है, यहाँ पे जो दौलत की चाट मिलती है वो अराउंड 60-70 ईयर्स पुरानी है, तीसरी पीढ़ी चला रही है। तो आई फील यार इसमें कुछ अच्छी बात ज़रूर होनी है। आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। ये छोटा सा मिट्टी का कटोरा जैसे बोल सकते हो, और ये देखो इतनी ठंडी है, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। और इसमें दौलत की चाट नीचे से और ऊपर से इतनी अच्छी ड्रेसिंग, इसमें पिस्ता है, इसमें आलमंड्स हैं, इसमें खोया दिख रहा है मेरे को ऊपर से, ये येलो केसर है। ओ भाई 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 भाई, ये देखो कितना फ्रॉदी, कितना फोमी है। ओ माय गॉड, मैं गलत नहीं रहूंगा ये बोलने में कि ये अब तक की हमारे दिल्ली फूड टूर की सबसे बेस्ट चीज खा रहा हूं मैं। कल भी दौलत की चाट खाई थी, बट ये वाली पूरा फोम, ऐसा लग रहा है बादल एक किस्म का यार। और इसमें ना कंजूसी नहीं है ड्रेसिंग की, बिल्कुल कंजूसी नहीं है, भर भर के डाला गया है। अगर आपको पता नहीं दौलत की चाट क्या है, दौलत की चाट बेसिकली क्या होता है ना, जो दूध रहता है उसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं, ताकि जो क्लाइमेट में जो ओस होती है, जो मॉइस्चर होता है, उससे दूध की क्रीम बने, फोम बने, और उसको टॉपिंग करते हैं इन सब चीज़ों के साथ। ये वाली बहुत ही अच्छी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप ओल्ड दिल्ली आ रहे हो तो ऐसी गलियाँ ही मिलेंगी, ऐसे गलियों में ही ये सब खाने की चीज़ें मिलती हैं। This is fantastic. You should try this. आज की नेक्स्ट जगह जो हम आ चुके हैं, इट इज़ वेरी वेरी फेमस इन इंटायर ओल्ड दिल्ली। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम लोग जो भी जगह खाने पीने जा रहे हैं वो सब पतली पतली गलियों में हैं, तो प्लीज़ बाय वॉक आइएगा। और कुछ भी अपने साथ गाड़ी वगैरह लेके मत आइएगा। अभी जो हम छोले कुलचे खाने आए हैं वो है लोतन जी के छोले कुलचे, जो 104 साल पुराने हैं। मतलब इतने पुराने हैं, हमारे फ्रीडम से भी पहले हैं, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ चलाती होंगी। और यहाँ के जो छोले कुलचे हैं दिल्ली के, काफ़ी अलग होते हैं। अमृतसर के जो छोले कुलचे होते हैं ना, वो सॉफ्ट रहते हैं, मोटे होते हैं, ये एकदम पतले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। अभी ये छोले कुलचों की अलग बात मुझे क्या लग रही है ना, ये देखो कुलचा एकदम ऐसा पतला है। अभी अपन जैसे नॉर्मली खाते हैं वैसे काइंड ऑफ कुलचा नहीं, ये एकदम अलग कुलचा है। और इसमें ना बहुत सारा ऐसा रस्सा है, और अगर आपको रस्सा अलग से चाहिए तो अलग से ऐसे पीने को भी आपको पानी मिलता है, चने का पानी इसको यहाँ पे बोलते हैं। बहुत सारा तेल इसको टॉप किया गया है, आई गेस ये गाजर है, मम्मी ने बोला ये मूली है। ओके लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। ओह माय गॉड, बहुत सारा तेल है इसमें।
This one is spicy. ये छोले कुलचे हैं, पहले छोले कुलचे हैं ये पूरी ट्रिप पे। एक सेकंड, बहुत गर्दी मिलेगी आपको, खाने की बहुत कम जगह है, बैठने की जगह आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये छोले कुलचे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी लेस स्पाइसी और मॉडरेट स्पाइसी, इट्स वेरी स्पाइसी। ये जो कुलचा है इसको पूरा बटर में पहले इसको अच्छे से सेकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ भी ऐसे पूरे ऑयली ऑयली हो गए हैं। तो स्पाइसी जो ग्रेवी रहती है वो बहुत ही अच्छी है। अगर आपको चाहिए तो यार कम स्पाइसी ले सकते हो, बट आई वुड प्रेफर अ स्पाइसी वन। कुलचा है, हल्का सा चूई है, ओवरऑल आई फाइंड इट वेरी नाइस। इज इट वर्थ द हाइप? डेफिनेटली इट इज वर्थ द हाइप। इफ यू समवन हु लव स्पाइसी, ये एकदम प्रॉपर जगह आपके लिए छोले कुलचे खाने के लिए। अगर स्पाइसी पसंद नहीं है तो कम स्पाइसी बनाओ, बट ये ट्राई करिएगा जरूर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जंग बहादुर कचौड़ी वाले, अब ऑब्वियसली बात है अगर दिल्ली में रहेंगे तो जितनी ज़्यादा वीडियोस बनेंगे उतनी कचौड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो हम लोगों के लास्ट वीडियो में भी कचौड़ी खाई थी, जो कि पते की कचौड़ी किसी चाट बेस थी, उसमें चटनियाँ डाल रहे थे ऊपर और कांदा वगैरह डाल रहे थे। ये एकदम अलग है, ये आलू की ग्रेवी होती है, आलू की भाजी होती है, उसमें क्रश करके दिए। आप आलू की भाजी और कचौड़ी सेपरेट ले सकते हो, हमने क्रश करवा के डाल दी, आपको दिखा देता एक बार। ये कचौड़ी है, उसको क्रश कर दिया, क्रश करने के बाद उसमें आलू की ग्रेवी डाल दी, छोटे छोटे आलू है, बड़े बड़े पीसेस नहीं है, और उसमें से ग्रीन चिलीज हैं, धनिया है, कचालू की चटनी है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। ओह, मेरे पैर के ऊपर से प्रेशर चला गया। दिस इज नाइस। तो थोड़ी ज़्यादा सॉल्टी लग रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ी ज़्यादा इसमें नमक लग रहा है। बड़ी जो कचालू की चटनी है वो अच्छी खट्टी और स्पाइसी है, और ओवरऑल जो ग्रीन चिलीज का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा एक टेस्ट दे रहा है। और बात करें कचौड़ी की तो अंदर से काफ़ी नरम है और एजेस से काफ़ी क्रिस्पी है। इन माई ओपिनियन, इफ यू आस्क मी, आई फील ऑनेस्टली इन माई ओपिनियन इट्स अ बिट सॉल्टी, नॉट दी बेस्ट आई वुड से। आई वुड से इट्स नॉट दी बेस्ट, बट यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। अगेन ग्रीन चिलीज की वजह से काफ़ी स्पाइसी बन रही है, बट यू हैव टू ट्राई। नेक्स्ट वी आर एट द वेरी फेमस गया प्रसाद आलू पराठे वाले, जंग बहादुर कचौड़ी वाले, उसके एकदम बाहर थोड़ा आगे जो है लेफ्ट में पराठे वाले गली है। बहुत सारे शॉप्स हैं पराठे खाने के लिए, पर एयरपोर्ट में यहाँ आ जाऊँ बिकॉज ये काफ़ी फेमस है। आई एम गोइंग विद नॉर्मल आलू पराठा, ऑनेस्टली यहाँ पे बहुत कुछ फेमस है, इनफैक्ट सब चीज़ें फेमस है, बट आई एम गोइंग विद द नॉर्मल मेन स्ट्रीम वन, बिकॉज मुझे कुछ और हैवी नहीं खाना है, क्योंकि हमको पूरा दिन भी खाना है। यहाँ पे ना पराठे बहुत मोटे मोटे होते हैं, साथ में जो भी कचालू का अचार, आलू की सब्जी, हल्की सी मिर्च, ये सब मैंने उनके प्रिपरेशन में देखा है। यहाँ पे हमारा आलू का पराठा आ चुका है। यहाँ पे काफ़ी अलग चीज़ है यार आलू पराठे की, यहाँ पे सिर्फ आपको पराठा या चटनी नहीं मिलेगी, आपको पराठे के साथ यहाँ पे चटनी, आलू की भाजी, ये केले का अचार है, मेरे को लगा कचालू का अचार है, एंड योर यू हैव ये आई गेस एक और काइंड ऑफ अचार है, गाजर है, ये आई गेस फिर से कोई, ये मेरे हिसाब से कॉलीफ्लावर जो गोभी रहती है ना उसका है कुछ। तो भी यहाँ पे एक प्लेट में आपको दो आलू के ऐसे पराठे मिलते हैं, और मेरे पहले इंप्रेशन के हिसाब से ना ये देख रहे हो बहुत ही मोटा है, ये बहुत ही मोटी लेयर है इसकी, क्रिस्पी तो है यार। अब देखते हैं आलू के पराठे के अंदर स्टफिंग कैसी है, बहुत ही खस्ता है ये, एकदम नरम नहीं समझिएगा इसको। ओहो ओके ओके, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। ओह माय गॉड, लुक एट द आलू, आलू के पराठे को हम लोग इसमें डुबोते हैं। दिस आलू का पराठा इज मोर ऑफ
फ्लेवर्स इन इट एंड लेस ऑफ स्पाइस इन इट। और वैसे मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं जिसमें फ्लेवर्स ज़्यादा है, और ये आलू के पराठे में फ्लेवर्स ज़्यादा है। इस आलू के पराठे में ना यार ब्लैक पेपर डोमिनेट हो रहा है, ये देखो इसमें रेड तो आपको दिखेगा बट मोस्टली जो आपको टेस्ट आएगा ना वो पूरा ब्लैक पेपर का आएगा। बहुत पतला है, जो इसकी लेयर है बहुत पतली है, एकदम मोटा मोटा आलू पराठा उसको कंसिडर मत करिएगा। आई फील मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स जो इस प्लेट में है उनकी टेस्ट आपको स्वीट मिलेगी, मतलब स्पाइसी तो मिलेगा नहीं, फ्लेवर्स की कमी आपको नहीं मिलेगी। मैं आलू की जो ग्रेवी सबसे पहले ट्राई करी, और अभी जो आलू का जो हम लोग ने थोड़ा सा सूखा भाजी ट्राई किया, इनका टेस्ट मोस्टली ऑन द स्वीटर साइड था। ओवरऑल आई फील अगर आप पराठे वाली गली आ रहे हो तो पराठा इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली ये पराठा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। दिस कॉस्ट 140 रुपीज़। 140 रुपीज़ में आपको दो पराठे के पीसेस मिलते हैं, आपको ऐसे आलू चटनी ये सब की ड्रेसिंग मिलती है, यहाँ पे केले का अचार भी है। ये मेरे को काफ़ी थिक लग रहा है तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा। उसके साथ ही हम लोग भाजी ले लेते हैं, ऑब्वियसली केले का अचार है, इट हैज़ टू बी स्वीट। आई ऑनेस्टली डोंट लाइक माई फूड टू बी दैट स्पाइसी, बट दिस वन इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट, खुद आके ट्राई करना। तो दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ आलू पराठा इन श्री गया प्रसाद आलू पराठे वाले, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसी गलियों में घूमने का पहला एक्सपीरियंस है मेरा, मैं कभी ऐसा घूमा नहीं हूँ गलियों में, ऐसा मतलब चलने की भी जगह नहीं थी। पहले जब हम लोग कचौड़ी कर रहे थे वहाँ पे एक साइकिल वाले अंकल है, वो मेरे लेजिट पैरों के ऊपर से चले गए रहेंगे, आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो। इट्स फन, आई एम जस्ट गिविंग यू वन सजेशन, अगर आपको ओल्ड दिल्ली का स्पेशली ये जगहों का खाना पीना अगर एक्सप्लोर करना है ना तो प्लीज़ ट्राई कमिंग इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, प्लीज़ डोंट कम इन द आफ्टरनून, एटलीस्ट वीकेंड को तो मत आइएगा। हम लोग तो चलो टाइम कंस्ट्रेंट है तो हम लोग सैटरडे को आए हैं, तो सैटरडे संडे प्लीज़ अवॉइड करिएगा, ट्राई कमिंग ऑन वीकडेज इफ पॉसिबल। Let's go, let's have a nice jalebi. तो आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं, इट्स 137 इयर्स ओल्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1884। काफ़ी लंबी लाइन लगती है, आई वुड रियली रिकमेंड कि आप पहले आके लाइन में रुक जाओ। हम लोग जब आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नेक्स्ट टेन मिनट्स में पूरी की पूरी लाइन लग गई, पूरी प्रिपरेशन हमको देखने को मिल गई। लकीली जब हम आ रहे थे तो उनका जलेबी का स्टॉक खत्म हो चुका था, तो हमको नया जलेबी का स्टॉक देखने को मिल गया। और यहाँ पे 75 रुपीज़ की दो बड़ी जलेबी आती है, हमने जो अमृतसर में खाई थी थोड़ी सी पतली थी, ये एकदम मोटी जलेबी है, इसके ऊपर उन्होंने रबड़ी डलवा दी, आप बिना रबड़ी के भी खा सकते हो। वैसे यहाँ पे समोसे भी बड़े ही फेमस हैं, लेकिन हमारी बारी है जलेबी खाने की, आपको जलेबी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दो पीस जलेबी हैं, जैसे 75 रुपीज़, और उसके ऊपर गाढ़ी एकदम मोटी मोटी रबड़ी, बहुत ही अच्छी लग रही है। लेट्स टेस्ट दिस। भाई ये एक ही पीस लग रहा है मेरे को, पता नहीं एक ही पीस है, मम्मी बोल रही है एक ही पीस है। प्लीज़ एक्सक्यूज द कैमरा एंगल, एक हाथ से खा रहा हूँ, एक हाथ खराब हो रहा है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है। बट भाई ये जो जलेबी और रबड़ी है, ओहो ओहो, मेरे हाथ खराब हैं इसलिए आपको ये देखो, लुक एट दिस, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस। माय गॉड, जो जलेबी है ना ये एकदम ऐसी कड़क नहीं है, बाहर से कड़क बोल सकते हो, अंदर से ये एकदम नरम है और बहुत ही रसीली है। ये देख रहे हो इसके एजेस बहुत ही मोटे मोटे हैं, और ये रबड़ी ट्राई करता हूँ मैं अभी। रबड़ी बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, जलेबी ऑन द अदर हैंड काफ़ी स्वीट है, अ वेरी वेरी नाइस रबड़ी जलेबी। आप जैसे ही ये मार्केट में हम लोग एंटर करते हैं चांदनी चौक की, एकदम लेफ्ट के कोने में ही है, आपके हाथ वैसे हो जाएंगे बड़े, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो
नेक्स्ट जगह जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वो है अल कुरैशी कबाब सेंटर। ये बहुत पॉपुलर है, जो जामा मस्जिद है उसकी गेट वन के एकदम ऑपोजिट वाली लेन में थोड़ा सा आगे आ जाओ, वहाँ पे आता है ये। दे ओनली स्पेशलाइज इन चिकन टिक्का, चिकन सीख कबाब, मटन सीख कबाब, दैट्स इट। यहाँ पे लोग खाते हैं सिर्फ सीख कबाब से, तो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत सुना था इस जगह के बारे में, ट्राई भी कर लेते हैं। एक रिकमेंडेशन रहेगी, ये जगह पे आने के लिए ना आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, बिकॉज कोई ऑटो या कोई साइकिल वाला रिक्शा आपको आई डोंट नो ड्रॉप करेगा नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त क्राउडेड है। मैंने अपने लिए ऑर्डर करा है चिकन सीख कबाब के दो पीसेस, पर पीस 50 रुपीज़ का है। आप पीस वाइज भी ऑर्डर कर सकते हो या पेट वाइज भी आपके ऊपर है। तो मैंने दो चिकन सीख कबाब के पीसेज ऑर्डर करे हैं, उसके बाद मैंने रुमाली रोटी भी ऑर्डर करी है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ चुका है, देर इज रुमाली रोटी योर आई गेस। इसको थोड़ा सा टॉप किया गया है कुछ मसालों के साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। योर वी हैव टू पीसेज ऑफ चिकन सीख कबाब, और इसमें इसको ना बटर में डाला गया है। ये देखो नीचे बटर दिख रहा है, ये सारा का सारा यहाँ पे बटर है। 50 रुपीज़ का एक पीस है, और इसका टेक्सचर देखो ब्लैक कलर से इसको प्रॉपरली मस्त सीख कबाब पे इसको मस्त तरीके से इसको ग्रिल किया गया है। इट लुक्स वेरी वेरी फ्रेश, एकदम गरम गरम हमारे सामने ही उन्होंने बनाया था बाहर के साथ। हमारे यहाँ पे है नींबू चटनी, लेट्स टेस्ट दिस। ये रोटियाँ एकदम मस्त ऐसे पतली हैं, लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। ओहो बटर देख रहे हो, ओह माय गॉड, लुक एट द बटर, लुक एट द अमाउंट ऑफ बटर हियर, एकदम ऐसा क्रम्बल हो रहा है, बहुत सारा बटर है इसमें। वाओ, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये किसी इंसान ने बनाया है। इट इज अनइमेजिनेबली सॉफ्ट। ये देखो जस्ट देख लो, ऐसा प्रेस कर रहा हूँ और पूरा क्रम्बल हो रहा है। लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। ऐसा नहीं कि चिकन का सीख कबाब 50 रुपये का है तो इसको पतला दे दिया, उसको एकदम मोटा दिया है, अंदर भर भर के तेल डाला है, और चिकन जो है ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। देखो घी, देखो इसमें से बटर, देखो कैसे निकल रहे है, देखो बटर ऊज आउट हो रहा है। इसको बटर में डिप करूँगा मैं। इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट चिकन सीख कबाब आई हैव हैड इन माय लाइफ। आई एम एनी वेज अ चिकन सीख कबाब एंड चिकन टिक्का लवर, बट दिस वन इज हेवन। और इसमें से ना सब बटर निकल के आ रहा है। ओहो पूरा इसको ऐसा सैचुरेट कर देते हैं। वो चिकन सीख कबाब खाने के बाद हम लोग शाम स्वीट्स गए थे, वहाँ पे हम लोग ने समोसे खाए और मूंग दाल का हलवा खाया, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ज़बरदस्त था। वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पा था बिकॉज वो चावड़ी बाजार का एकदम हब है, एकदम मेन है, जिसकी वजह से वहाँ पे आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देता। बट रश्मि शाम स्वीट्स का मूंग दाल का हलवा, आलू पीस के उसके समोसे एकदम ज़बरदस्त थे। अभी हम लोग होटल वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी ये वीडियो यहीं तक था। बहुत मज़ा आया, आज के लोकेशंस फाइंड करने डिफिकल्ट होंगे गाइस, इसीलिए मैं आप सबको उन लोकेशंस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ उन लोकेशंस को फॉलो करिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक दिस वन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज पीस।